नमस्कार दोस्तों, आपका भी टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर Redmi Note 7 यूजर्स के लिए फाइनली यहाँ पर एक नया स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि जिसका वर्जन है 10.3.6.0। सो फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है Redmi Note 7 यूजर्स के लिए कि उनके डिवाइसेस में फाइनली एक नया अपडेट आ चुका है। लगभग एक महीने से ज़्यादा हो चुका था अपडेट को आए हुए, और यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के लिए Xiaomi कॉन्टिन्यूस अपडेट प्रोवाइड कर चुकी थी, मगर Redmi Note 7 यूजर्स के लिए यहाँ पर कोई भी अपडेट रोल आउट नहीं करा गया था। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है Redmi Note 7 यूजर्स के लिए कि उनको यहाँ पर एक नया अपडेट देखने को मिल चुका है, जिसका वर्जन है 10.3.6.0। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको 587 MB का साइज देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल साइज है इस तरह के अपडेट के लिए। आप जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने सिस्टम अपडेट्स में जाके चेक करना है कि आपके डिवाइस पे अपडेट अवेलेबल हुआ है या नहीं, और अगर अपडेट अवेलेबल नहीं हुआ है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको एक से दो दिन में अपडेट देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड, अगर हम इसके अपडेट के कंप्लीट चेन लॉक को बताएं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पर जुलाई का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा अपने डिवाइस के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर आपको यहाँ पर एक फिक्स मिल जाएगा, जो कि है VoLTE स्विच अपीयर्ड इन द रीजन्स वेयर VoLTE इज नॉट सपोर्टेड। सो फ्रेंड, यहाँ पर जहाँ पर आपका ये जो वॉइस ओवर 4G का जो सपोर्ट नहीं था कुछ रीजन्स में, तो ऑटोमेटिकली उसका स्विच अपीयर हो जाता था, तो उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। कुछ रीजन्स के अंदर ऐसी इशू आ रही थी, तो उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर भी फिक्स करा गया है, जो कि यहाँ पर फिक्स कॉन्टैक्ट्स कुड नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द सिम कार्ड इन सम केसेस। सो फ्रेंड, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट डिलीट करते हैं तो कुछ केसेस में आपके सिम कार्ड से वो कॉन्टैक्ट ही डिलीट नहीं होते हैं, तो उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन बार और स्टेटस बार के अंदर आपको एक नई चीज़ देखने को मिल जाती है, जो कि है न्यू क्लॉक स्टाइल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली Redmi Note 7 यूजर्स के लिए भी यहाँ पर क्लॉक स्टाइल अभी देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पर Redmi Note 7 Pro को भी यहाँ पर मिल चुका था, अब यहाँ पर Redmi Note 7 को भी मिल गया है। सो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर इसको एनेबल कैसे करना है। सो फ्रेंड, आपको सिंपली अपनी सेटिंग्स में जाना है। आप नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको एडवांस सेटिंग में जाना है। फिर आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कौन से तरह का फॉर्मेट आपको पसंद है, आप यहाँ से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बाय डिफॉल्ट ही आपको सेंटर्ड वाला देखने को मिलेगा, आपको एक लेफ्ट अलाइंग भी देखने को मिल जाता है, और एक आपको वर्टिकल देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड, मुझे यहाँ पर वर्टिकल ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दी सेंटर्ड वन एंड द लेफ्ट अलाइंग्ड वन। सो फ्रेंड, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट यहाँ पर देखने को अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, अगर हम बात करें यहाँ पर आगे की तरफ, तो आपको यहाँ पर फिक्स देखने को मिल जाता है, मीडिया वॉल्यूम कुड नॉट बी रिस्टोर्ड आफ्टर रिसीविंग अ नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड, ये भी यहाँ पर एक तरह का बग था, तो उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। और बात करें यहाँ पर गेम स्पीड बूस्टर की, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हैंड्स फ्री कॉल ड्यूरेशन वॉज नॉट डिस्प्लेड करेक्टली इन द गेम टर्बो मोड। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपको ये एक तरह का कुछ कॉल ड्यूरेशन का भी इशू देखने को मिल जाता है, अगर आप यहाँ पर गेम टर्बो को एनेबल करके खेलते हैं या गेम बूस्टर को एनेबल करके खेलते हैं अपने डिवाइस में, तो उसमें यहाँ पर ड्यूरेशन का कुछ इशू आ रहा था, तो उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। लास्ट एंड फाइनल ऑप्टिमाइजेशन है, जो कि है इम्प्रूव सिंक अक्रॉस दी मल्टीपल डिवाइसेज। सो फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हर बार यहाँ पर सिंक के ऊपर कुछ ना कुछ फिक्स आते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इस अपडेट के अंदर सिर्फ इतनी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको और कोई ज़्यादा चीज़ें इस अपडेट के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के लिए यहाँ पर कोई भी ज़्यादा खास चीज़ें यहाँ पर ऐड नहीं करी गई, अगर आप इसकी लिस्ट को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी लिस्ट देखेंगे और जो Redmi Note 7 में Redmi Note 7 Pro में जो दो बार ये अपडेट्स आ चुके हैं, वो यहाँ पर सारी चीज़ें सेम है, जो कि आपको इस अपडेट में एक ही बार में इस अपडेट के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, अभी आपको यहाँ पर Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro में सॉफ्टवेयर के मामले में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है इस अपडेट के बाद। और फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर सबसे मेजर प्रॉब्लम की, जो कि है यहाँ पर बैटरी से रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, आपको अभी भी Redmi Note 7 Pro में बैटरी ड्रेन तो देखने को मिलता है इतने मेजर अपडेट्स के बाद भी, तो आपको यहाँ पर Redmi Note 7 में भी कोई फिक्स देखने को नहीं मिलता है बैटरी से रिगार्डिंग। आपको वही सेम बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही होगी अपने डिवाइसेस में, जिसमें यहाँ पर कोई भी Xiaomi ने इम्प्रूवमेंट नहीं करी है। और मेरे हिसाब से शायद आपका आइडियल ड्रेन भी थोड़ा सा बढ़ चुका होगा इस अपडेट के बाद। सो फ्रेंड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके डिवाइसेस में आइडियल ड्रेन की थोड़ी सी इशू यहाँ पर बढ़ी है या नहीं, और क्या आपके डिवाइस पे बैटरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई या नहीं। वैसे तो इस अपडेट के अंदर बैटरी से रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करी गई है। सो फ्रेंड्स, आपको ये 10.3.6.0 में सिर्फ इतनी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं,
और फ्रेंड्स अगर आपका रेडमी नोट 7 में कैमरा लैग हो रहा है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।